जी हाँ, इस तरह से हमने देखा कि अभी तक लोग यात्राएं करते हुए पैदल बालू में चल के तरह तरह की पीड़ाओं को सहते हुए अभी जलधरी के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं जो मध्य प्रदेश के देवास से हैं, दंडी नित्य मुक्ता स्वामी जी महाराज जी। महाराज जी एक मिनट पहले बताएंगे कि आप मध्य प्रदेश से यहाँ चल कर के आए और यहाँ किस तरह का आयोजन देखा, आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा नाम दंडी स्वामी नित्य मुक्तानंद तीर्थ है और मैं धूमावती शक्तिपीठ कोटेश्वर धाम सोनकच्छ देवास मध्य प्रदेश से आया और ये श्री लक्ष्मी नारायण अति नौगर अति यज्ञ हो, मतलब यज्ञ से बड़ा, दस से यज्ञ सामान्य यज्ञ से दस गुना बड़ा महायज्ञ और महायज्ञ से दस गुना बड़ा होता है सुपति यज्ञ। तो ये जो यज्ञ है ये श्री लक्ष्मी नारायण पति महायज्ञ और बहुत सुंदर ढंग से आपने यज्ञशाला देखा ही होगा और ये भाई हम भक्त आपके सामने ही दिख रहा है और हमारा भी जन्म स्थल वो स्वामी से हमारा अपना वरिष्ठ मंत्र है, उन्होंने यज्ञ है, यज्ञ में देवताओं का आमंत्रित करने से देवता आते हैं तो महात्मा आमंत्रित किए जाएंगे तो महात्मा भी आएंगे, भक्त भी आएंगे और यज्ञ करने से मंगल ही मंगल होगा। तो मैं आया, मेरे रिकॉर्ड होते बहुत सुंदर है जी महाराज जी, आने का प्रयोजन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पे जो भक्तों की आपने भाव देखे, जो पैदल चल करके वहाँ से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग बीमार लोग, यहाँ तक कि लोग बुखार में दवाई, देखिए गंगा के किनारे के पास बड़े श्रद्धालु होते हैं और सबको अपेक्षा है कि भगवान की कृपा होगी, यज्ञ में हमारा सहयोग होगा, हमारा योगदान होगा, हम भागीदारी रहेंगे, तो सबको अपनी भगवान से अपेक्षाएं हैं। इसमें कष्ट होता है तो तपस्या है, वो श्रद्धा के विषय है। क्योंकि अभी ये यज्ञ हो रहा है, महाराज जी आप इतना दूर से चल के आए तो यहाँ के तमाम भक्तों के लिए आपकी तरफ से क्या शुभ आशीर्वाद है? हमारी यही है कि भगवान अवश्य कृपा करेंगे, भगवान कृपामय है, दयामय है और जो भी उनकी निष्ठापूर्वक आराधना उपासना श्रद्धापूर्वक करता है भगवान अवश्य में कृपा करते हैं और सब लोग कृपार्थी हैं। यदि भगवान भी आमंत्रित होते हैं तो आते हैं तो मैं भी महात्मा है और निश्चित है यज्ञ सफल है, दिख रहा है आपको सामने, क्या करना। जी हाँ, इस तरह से महाराज जी को हमने सुना कि यहाँ के भाव को देखते हुए इन्होंने कहा कि जिसमें श्रद्धा रहती है उस पर ईश्वर प्रसन्न रहते हैं और श्रद्धा हमको अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है कि लोग बीमार हैं फिर भी दवाई खा करके आए, छोटे बच्चे हैं चल नहीं सकते हैं चल करके आए, बुजुर्ग महिलाएं पुरुष और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आगे देखते हैं अभी क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, आगे के लोगों से जानते हैं। कि अभी हम यज्ञ में जलभरी में गए हुए थे, वहाँ पे स्वामी जी से भी बात हुई और अभी हमने यज्ञ के मंडप को भी देखा और यहाँ पे और भी कुछ बात कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी के सेवा में आप कितने दिन से हैं? तीन चार महीने से। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? सात। अच्छा, तो ऐसा है कि आप घर में रहते हैं या स्वामी जी के पास ही रहते हैं? बनारस में पढ़ते हैं। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? वहाँ से क्या वेद वेदांत क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं और यज्ञ वगैरह में भी जाते हैं जी। अभी महाराज जी की सेवा में आप यज्ञ में पढ़ते भी हैं और अभी यहाँ यज्ञ में आए हैं तो आप यहाँ के लोगों का भाव देखे हैं अभी कितना ये हो चुका है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भावुक हैं, भाव रखते हैं, आपके साथ भी भाव
उनकी अच्छी रहती है। जी, जैसा कि ये ब्रह्मचारी जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की भावनाएं बहुत ही लगनशील है, यहाँ के लोग बहुत उत्सुक हैं, और आगे भी जानेंगे, आगे भी देखेंगे, आगे भी और अन्य लोगों से बातें करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि अभी जलभरी हो रही थी, जलभरी करके आने के बाद जो घोड़े से लोग थे वो परिक्रमा कर रहे थे यज्ञ मंडप की, और अभी हमारी बातचीत स्वामी जी से होगी, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस यज्ञ की रूपरेखा के बारे में। महाराज जी बताया जाए कि अभी इस यज्ञ की रूपरेखा क्या है। आवाज जल यात्रा संपन्न हुई, जल यात्रा का कार्य पूर्ण हो गया। कल से हवाचन प्रातःकाल 6 बजे से कार्यक्रम आरम्भ, और सबसे पहले पंचांग पूजन यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर पंचांग पूजन होगा, नांदी श्राद्ध होगा, उससे भी पूर्व वृदाहरण होगा, पंचांग पूजन होगा, नांदी श्राद्ध होगा, ये सब यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर सब दक्षिण से आए हुए विप्रों के द्वारा संपन्न होगा। ये दाक्षिणात्य विप्र मयूर कोटा मेल कोटा जिसे आज कहते हैं, द्वापर में जिसका नाम जादवाद्र था, अभी बलराम वहाँ जाकर के तीर्थ यात्रा के बहाने वहाँ गए थे, उसी भूमि से ये सब विप्र दक्षिण से आए हुए हैं। ये दाक्षिणात्य पंचरात्र आगम विधान के द्वारा यह दिव्य देशीय पद्धति, जो कुछ दिव्य देश में होता है, दक्षिण के दिव्य देश में, उत्तर के दिव्य देश में, ठीक वही विधान पूर्वक ये सारा कार्य संपन्न होगा। तो कल प्रातःकाल 6 बजे से कार्य आरंभ होना है यज्ञ का, उसके बाद विप्रों का वर्ण होगा, फिर मंडप प्रवेश होगा, मंडप प्रवेश के बाद पुनः आगमोक्त विधि के अनुसार समस्त वेदियों पर विराजमान जितने यहाँ देवताओं का आवाहन होगा, पूजन होगा, प्रणाम समर्पण इत्यादि संपन्न होगा। फिर अपराह्न में अरणि मंथन के द्वारा जो दर्शनीय है, यज्ञ में अग्नि को साक्षात नारायण का ही स्वरूप बताया गया है, अग्निश्च नारायण ऐसा कह करके नारायण अनुवाद में अग्नि को नारायण की संज्ञा दी गई है। नारायण भी क्या है, नारायण जगत में जो व्याप्त चेतन तत्व है, चेतना चेतनात्मक तत्व जो जगत में व्याप्त होकर के निवास करता है, उसमें जो परम चेतन है, वो परम चेतन का ही दूसरा नाम नारायण है। नारायण का संस्कृत के द्वारा व्याख्या ये है कि नाराह जीव जगतो हो अयनम नारायण, जीव और जगत का जो अयन नाम आश्रय जो है उसी का नाम है नारायण। सुबह में ये हुआ, उसके बाद मध्यान्ह में अरणि मंथन का कार्य चलेगा। ये अरणि मंथन का कार्य चलेगा 12 से 1 बजे के बीच में, अग्नि स्थापन आवाहयामी पूजयामी इत्यादि मंत्रों के द्वारा होगा। तत्पश्चात पुनः 2 बजे से मंचीय कार्य आरंभ होगा, जिसमें अनेक दक्षिण उत्तर के विद्वान आए हुए हैं, उनका प्रवचन आरंभ होगा। किन किन विषयों पर? अनेक विषयों पर प्रवचन होगा, समाहार रूप से, उपसंहार रूप से भी प्रवचन होगा, समस्त वैदिक विषयों के उपसंहार रूप से भी प्रवचन होगा, लेकिन उसमें मूल रूप से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रवचन रखा गया है, रामायण का भी प्रवचन रखा गया है, भक्तमाल का भी प्रवचन रखा गया है। इसके पूर्व अभी ये कथा का कार्यक्रम कल से ही आरंभ कथा हो चुकी है, जो कि श्रीमद् भागवत कथा के लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज को श्रेष्ठ सदन पीठाधीश्वर जो अयोध्या के रहने वाले हैं, वे हम लोगों के बीच में कल कथा आरंभ कर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ आरंभ हो चुका है। तो कहने का मतलब जैसे यज्ञ मंडप होगा, कथा होगा, उसके बाद भंडारण की भी कोई? हाँ, तो श्रीमद् भागवत के बाद पुनः रामायण की कथा, इसके बाद तमाम भक्तों की कथा को भक्तमाल की कथा, इसके अतिरिक्त भी अन्य संत महात्मा विविध विषयों का उपसंहार करके उपदेशात्मक कथा प्रवचन सुनाएंगे,
इसके साथ साथ जो भी बाहर से आने वाले अतिथि हैं, देवता हैं, विप्र हैं, जो भी भूखा है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी यहाँ देने की समुचित व्यवस्था ग्राम वासियों यज्ञ समिति के द्वारा ग्राम पहरपुर की जो यज्ञ समिति है इसके द्वारा आने वाले संपूर्ण अतिथियों के भोजन और जल पान की व्यवस्था की जा रही है। कितने दिनों का ये लगातार यज्ञ चलेगा? आज जल यात्रा छोड़ दें तो कल से पंच दिवसात्मक यह यज्ञ है। 11 तारीख अंग्रेजी का 11 मार्च को इसकी पूर्णाहुति होगी। फाल्गुन शुक्ल पंचमी को पूर्णाहुति होगी और आज फाल्गुन अमावस्या है। कल से यज्ञ आरंभ, यात्रा के द्वारा यज्ञ तो आरंभ हो चुका है, पंच दिवसात्मक यह यज्ञ है। अंतिम दिन बृहद भंडारा, जो कि उस भंडारे में लाखों लाखों लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। आप जाकर के देखेंगे जहाँ भंडारा करने की व्यवस्थाएं हो रही है। संत महात्मा भी त्यागी विरक्त दूर देश के संत महात्मा सब आए हुए हैं, आ रहे हैं। अभी पुष्कर पीठाधीश्वर हमारे बगल में बैठे हुए, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज पुष्कर से आए हुए हैं। वृंदावन से पुंडरी का अक्षाचार्य वेदांती जी महाराज आए हुए हैं। वृंदावन के ही संतों के लाडले श्री रजत कृष्ण शास्त्री जी महाराज बहुत सुंदर ही भक्तमाल की कथा सुना रहे हैं, वे भी सुनाते रहेंगे 11 तारीख तक। इसके अतिरिक्त और भी संत महात्मा बक्सर से जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजगोपालाचार्य जी पधार रहे हैं। देवरिया से राज नारायणाचार्य जगत गुरु स्वामी जी पधार रहे हैं। वृंदावन से अनंताचार्य जी का भी आगमन होने की संभावना है। इस तरह अनेक तीर्थों से, कांची से हमारे अनंतालवान पुरुष पीठाधीश्वर मधुर कवि पीठ के आचार्य श्री निधि स्वामी जी महाराज भी यहाँ आ चुके हैं। उनका भी उद्बोधन प्रवचन बड़ा ही धीर गंभीर वाणी में आपका प्रवचन हुआ करता है। ये सब जमघट देखने लायक, सुनने लायक, समझने लायक और जीवन में अपनाने योग्य है, यही हमारा संदेश है। जय श्रीमन्नारायण। जैसा कि अभी हम महाराज जी ने बताया कि यहाँ जमघट लगने वाला है, एक कुंभ लगने वाला है संतों का। ये बहुत बड़ा यज्ञ है जो 11 तारीख तक चलेगा और भंडारा भी रखा हुआ है। यहाँ पे तमाम भक्तगण आएंगे और भंडारा का प्रसाद पाएंगे। तब तक के लिए आगे का कार्यक्रम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार। समृद्धि न्यूज से कैमरामैन ने और लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह ये